हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन। इससे पहले की क्लासेस में हम चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। मैं हूँ आपका टीचर पवन। तो चलिए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आपने क्लास 9th में स्टडी किया होगा कि दो फिगर को हम कॉन्ग्रेंस कब कहेंगे, यानी अब आपने क्लास 9th में जरूर स्टडी किया होगा कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रेंसी ऑफ फिगर्स। टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंस इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। दो फिगर को हम कॉन्ग्रेंस कब कहेंगे, जब वो उनका सेम शेप हो और सेम साइज हो। अब शेप और साइज में क्या डिफरेंस होता है कि शेप क्या होता है, शेप इज द अपीयरेंस ऑफ फिगर। कि शेप क्या होती है, कि शेप क्या होती है कि किसी भी फिगर की अपीयरेंस होती है। कि जैसे ट्रायंगल में क्या होता है, तीन साइड्स होती हैं, और स्क्वायर में क्या होता है, चार साइड्स होती हैं। तो ये होती है शेप। इसी तरह आप इंसानों में भी देख सकते हैं कि शेप क्या है, कि मोटा है, पतला है, तो ये क्या है कि भाई कैसा दिखता है, तो ये है शेप। और साइज क्या होगा, साइज इज द मेजरमेंट और डायमेंशन। साइज क्या होगा, मेजरमेंट होगी कि अब जैसे ट्रायंगल की फिगर दी हुई है तो इसकी ये साइड 3 सेंटीमीटर की है, ये साइड भी 3 सेंटीमीटर की, और ये 4 सेंटीमीटर की है। तो ये क्या है, साइज। ये 3 और 4 जो है ये है साइज। और शेप क्या होगी इसमें, कि इसमें तीन साइड है, तो ये है इसकी शेप। और इंसानों में भी आप साइज देख सकते हैं, कि साइज का मतलब है कि आपकी हाइट कितनी है, तो ये क्या हुआ, साइज। तो दो फिगर को हम कॉन्ग्रेंस जब कहेंगे, जब उनका सेम शेप और सेम साइज हो। अब आप देखिए, ऑल सर्कल्स विद सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रेंस। कि मान लीजिए दो सर्कल हैं, इनका क्या है, रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और इसका भी 4 सेंटीमीटर, तो इसको इन दोनों को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेंस कहेंगे। और इनका, क्योंकि इनका साइज भी सेम है और इनका शेप भी सेम है। इसी तरह दो स्क्वायर्स हैं, कि ये भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को भी हम कॉन्ग्रेंट कहेंगे, क्योंकि इनका साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, कि दोनों में चार चार साइड हैं और साइड की लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो इनको भी हम क्या कहेंगे, स्क्वायर्स को सेम साइड के कॉन्ग्रेंट कहेंगे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि जिसकी तीनों तीनों साइड सेम लेंथ की हो, कि और एंगल भी जिनके सेम हो। तो इसमें क्या है कि पहले हम देखते हैं कि क्या शेप सेम है। हाँ, क्योंकि दोनों में तीन तीन साइड है, तो ये क्या है, सेम शेप है। और साइज भी मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या है कि दोनों इक्विलेटरल, कि सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल विद सेम साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। सिमिलर फिगर क्या होते हैं, कि सिमिलर फिगर की दो फिगर को हम सिमिलर कब कहेंगे, कि जब उनकी शेप तो सेम हो बट उनका साइज सेम ना हो। कि जैसे एग्जांपल के तौर पर ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो सकता है, क्योंकि दोनों की शेप सेम है, कि दोनों इसमें भी तीन साइड्स हैं और इसमें भी तीन साइड्स हैं, लेकिन इनका साइज सेम नहीं। ये कोई गारंटी नहीं है कि इनका साइज भी सेम हो, कि इसकी भी 6 सेंटीमीटर हो, इसकी भी 6 हो, तो इसकी भी 6 हो, इसकी भी 6 हो, तो ये जरूरी नहीं है कि इनका साइज भी सेम हो। लेकिन अगर इन दोनों की शेप सेम है, तो ये सिमिलर, इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कह सकते हैं। लेकिन वो कंडीशन क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन क्या है। तो यहाँ ये जो तीन लाइन है, कि ऑल सर्कल विद सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रेंट, कि जहां अगर सारे सर्कल का रेडियाई सेम है तो वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। उसी तरह अगर सारे स्क्वायर की साइड सेम है तो वो कॉन्ग्रेंट है।
और सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड सेम है तो वो कॉन्ग्रेंट है। और ये सिमिलर फिगर की डेफिनेशन से क्या निकल कर आता है कि इनकी स्टेटमेंट से क्या निकल कर आता है कि ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर, कि जो जो फिगर कॉन्ग्रेंट होगी तो वो सिमिलर जरूर होगी, क्योंकि कॉन्ग्रेंस कॉन्ग्रेंसी के लिए क्या कंडीशन चाहिए, सेम शेप एंड सेम साइड, और सिमिलर फिगर के लिए क्या चाहिए, सेम शेप। तो सेम शेप वाली कंडीशन तो इस कॉन्ग्रेंसी वाली में है, तो ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, कि जो सिमिलर फिगर है वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट भी होंगे, क्योंकि उनका ये जरूरी नहीं है कि उनका साइज सेम हो, और कॉन्ग्रेंसी के लिए दोनों कंडीशन चाहिए कि सेम शेप एंड सेम साइज। अब सिमिलर फिगर क्या होते हैं कि जहां दोनों फिगर का शेप सेम हो और साइज जरूरी नहीं है कि सेम हो। तो क्या एक सर्कल है एंड स्क्वायर भी सिमिलर, ये सर्कल और स्क्वायर सिमिलर हो सकते हैं, तो शेप का क्या मतलब है कि वो किस तरीके से वो फिगर दिखती है। अब स्क्वायर में क्या है, चार साइड है, तो सर्कल में चार साइड थोड़ी है, तो ये सिमिलर नहीं है। उसी तरह क्या एक ट्राइंगल और स्क्वायर भी सिमिलर हो सकते हैं, ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, तीन, और स्क्वायर में चार, तो क्या ये दोनों सिमिलर है, जब शेप ही सेम नहीं है तो ये भी सिमिलर नहीं है। अब ये दो फिगर जो दिए हुए हैं कि ए बी सी क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, क्या ये दोनों सिमिलर हैं, तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सिमिलर हो सकता है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस के, कि दोनों की शेप क्या है, सेम है, कि दोनों की चार साइड है। अब लेकिन इसकी और जो कंडीशन है उनके बेस वो हमें अभी सर्टेन नहीं है, तो मे भी ये हो सकते हैं सिमिलर, लेकिन अभी टोटली कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 6.3 पर आप फिगर देखोगे, ये तीन ताजमहल वाली जो पिक है, एक ये और ये, तो क्या ये तीनों पिक सिमिलर है, हाँ, क्योंकि ये तीनों पिक सिमिलर है कि चाहे ये किसी भी टाइम में ली हो, चाहे किसी भी टाइम में ली हुई हो, लेकिन इनकी शेप जो है सेम है, कि ये ताजमहल का फ्रंट व्यू है तीनों ही पिक्चर में, तो ये क्या है, इसकी शेप सेम है। और अगर आप देखें कि आपकी कोई पिक्चर है कि जब आपकी एज थी 6 ईयर्स, तो आपकी उस टाइम की पिक्चर, और आज आपकी एज है 16 ईयर्स, तो क्या आपकी दोनों आपकी जो दोनों फोटो हैं यानी दोनों पिक्चर्स हैं, क्या वो सिमिलर होंगी, तो नहीं, क्योंकि जब आपकी शेप कुछ और थी और आज आपकी कुछ और है, कि जब आप और तरीके से दिखते थे कि 6 साल की एज में, और आज आप 16 ईयर्स की एज में कुछ अलग तरीके से दिखते हैं। तो शेप क्या है, अपीरियंस है, और साइज क्या है, डायमेंशन है। और यहां से एक कंडीशन निकल के आती है कि टू पॉलीगन्स, अब दो पॉलीगन को हम सिमिलर कब कहेंगे, टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर। अब पॉलीगन क्या होता है कि ऐसी कोई फिगर की जिसमें दो से ज्यादा साइड्स हो, अब वो उनको हम सिमिलर कब कहेंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशो में हो। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कि जैसे ये दो ट्राइंगल है ए बी सी और ये डी ई एफ, अब करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, एंगल ए है, एंगल ए और इक्वल टू एंगल डी, ये दोनों क्या है, एंगल ए और एंगल डी करस्पॉन्डिंग एंगल है, कि इस साइड जो एंगल है उसका ही हमें सेकंड फिगर में देखना है कि उस तरफ का एंगल कौन सा है, एंगल डी, तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह एंगल बी जो है वो एंगल ई के करस्पॉन्डिंग है, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के करस्पॉन्डिंग है। तो क्या कंडीशन है, पहली की करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये है पहली कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। और करस्पॉन्डिंग साइड्स की, मान लीजिए ये जो साइड है ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 है मान लीजिए, और ये भी 3 है, और ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होने
होनी चाहिए कि साइड ए सी अपॉन एफ डी इक्वल टू बी सी अपॉन बी ई इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई। तो ये इनका क्या होना चाहिए रेशो, इसमें क्या है 1/2 कि 3/6 3/6 3/6 इक्वल टू 1/2 यानी करस्पॉन्डिंग साइड तीनों को, अगर मान लीजिए ट्रायंगल है तो तीन साइड होंगी दोनों फिगर में, तो दोनों का जो तीनों जो जो दोनों ट्रायंगल की तीन तीन साइड्स हैं, तीनों साइड यानी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो जो है वो सेम आना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। तो ये क्या है, किसी भी दो पॉलीगन को सिमिलर प्रूव करने की कंडीशन है कि उनको हम सिमिलर कब कहेंगे, जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में हो। अब ये चार फिगर दी हुई है कि पहली फिगर में क्या है, पहली और दूसरी फिगर में क्या है कि दो क्वाड्रिलेटर दिए हुए हैं कि इनके क्या है एंगल तो इक्वल है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल कैसे इक्वल है कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90, ये सारे एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है कि आप अगर ए बी अपॉन पी एस करेंगे तो वो आएगा 3/6 यानी 1/2 और डी सी अपॉन क्यू आर करेंगे डी सी अपॉन क्यू आर तो वो आएगा 3/6 तो 1/2। लेकिन और अगर आप करेंगे बी सी अपॉन पी क्यू तो वो क्या आएगा 4/7। तो यहाँ क्या है करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो ये क्या है कि ये दोनों फिगर नॉट सिमिलर यानी सिमिलर नहीं है, और इन दो फिगर में देखेंगे तो एंगल क्या है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, उसी तरह एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर और एंगल डी इक्वल टू एंगल एस। कि एंगल ए कितना है 105 डिग्री और एंगल पी कितना है 105, तो दोनों इक्वल है। उसी तरह एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है और एंगल डी एंगल एस के इक्वल है। और आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो देखेंगे कि ए डी अपॉन पी एस तो वो क्या है 2.1/4.2 तो कितना आएगा 1/2 और सी डी अपॉन में एस आर तो वो कितना 2.4/4.8 यानी 1/2 और ए बी अपॉन में पी क्यू तो वो कितना 1.5/3 तो वो भी कितना है 1/2 और लास्ट अगर बी सी अपॉन में करेंगे आप क्यू आर तो वो आएगा 2.5/5 तो 1/2। तो चारों करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो कितना है 1/2 यानी करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है। तो ऐसी फिगर को हम क्या कहेंगे सिमिलर फिगर कहेंगे। इन्हीं टॉपिक पर बेस है एक्सरसाइज 6.1। तो उम्मीद है कि आपके समझ आया होगा कि सिमिलर फिगर क्या होती है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।